गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू UKPSC अपडेट्स। दोस्तों आज हम देखेंगे एक एवरग्रीन क्वेश्चन जो कि प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। दोस्तों ये क्वेश्चन आगामी सब इंस्पेक्टर परीक्षा में भी पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं, इसको मॉडरेट लेवल का कहेंगे, पर इसका लेवल अच्छा है। ठीक है, इसको आप बहुत जल्दी भी नहीं कर सकते, बहुत देर में भी नहीं, इसको आप मीडियम लेवल है। ठीक है, तो इसको आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ए की पावर 4 प्लस 16 अपॉन ए की पावर 4 पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। पहले 16 अपॉन ए की पावर 4 को लिखेंगे 2 बाई ए की पावर 4। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 4 ही कितना होता है, 16 होता है। तो हमको ए की वैल्यू दी और ए की पावर 4 निकालना है, तो इतना आगे जाना है। देखिए ए से जाना है, सबसे पहले ए स्क्वायर में, फिर कर जाएंगे ए क्यूब में, फिर जाएंगे ए की पावर 4 में, तब जाके हमें मिलेगा ये चीज़ जो ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम a प्लस 2 बाई ए की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये टर्म्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, a और 2 बाई ए। दोस्तों सबसे पहले 2 बाई ए निकाल लेते हैं। 2 बाई ए कितना आएगा, 2 बाई ए आएगा कितना, ये हो जाएगा 2 बाई ए की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन रूट 3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए रेशनलाइज करेंगे, रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है ना, तो नीचे क्या लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मा जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 3 माइनस 1 कितना आएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा कितना, रूट 3 माइनस 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए प्लस 2 बाई ए की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। ठीक है ना, ए प्लस 2 बाई ए, ए प्लस 2 बाई ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू है रूट 3 प्लस 1 और 2 बाई ए की वैल्यू अभी हमने निकाली कितना, रूट 3 माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 2 रूट 3। ठीक है ना दोस्तों, 2 रूट 3 आ जाएगा ए प्लस 2 बाई ए की वैल्यू। देखिए इसके बाद कैसे करेंगे, ए प्लस 2 बाई ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रूट 3। बस अब हम क्या करेंगे, ए से स्क्वायर में जाएंगे, फिर ए क्यूब में, ए की पावर 4 में, इस तरीके से हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है ना, और भी शॉर्ट हो जाएगा। देखो ए से जाएंगे ए स्क्वायर में, फिर उसका भी स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4 डायरेक्टली पहुँच जाएंगे, ए क्यूब की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बोथ साइड क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों। ठीक है, दोनों साइड करेंगे होल स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, प्लस 2 ए भी करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 4, ए से ए कट जाएगा। ठीक है ना, और उस साइड क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 या 12 मिल जाएगा। तो अब क्या मिल गया आपको, ए की पावर ए का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4 इधर चल जाएगा, कितना बचेगा, 8। ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, इसको हम मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8। ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8। बस लास्ट स्टेप, एक बार और स्क्वायर कर देंगे तो हमको पावर 4 मिल जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ कितना मिलेगा, देखिए ए की पावर 4 प्लस 4 का स्क्वायर कितना, 16, और नीचे ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए की पावर 4 प्लस 2 ए भी करेंगे दोस्तों, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर तो कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 8, और यहाँ कितना बचेगा, 8 का स्क्वायर 64। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, इतनी वैल्यू चाहिए ना बस, और तो 8 को यहाँ ले जाएंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 64 में से दोस्तों 8 घटाएंगे, ये कितना आ जाएगा, 56। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, 56। अब इस क्वेश्चन में हमने किया कैसे, तो आप इसका एक स्ट्रक्चर देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन को करा कैसे हमने। सबसे पहले हमने निकाला a अपॉन 2 बाई ए की वैल्यू, ठीक है, फिर हम यहाँ से पहुँचे इसका होल स्क्वायर करके ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर पर पहुँचे, फिर हमने इसका भी होल स्क्वायर करा तो हम पहुँच गए ए की पावर 4 प्लस 16 अपॉन ए की पावर 4, और जो 2 ए बी वाला वैल्यू होती थी प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी का जो फॉर्मूला होता है, इस 2 ए बी को हम हर बार क्या कर रहे थे, पीछे साइड ले जा रहे थे। ठीक है, इस और सिर्फ ये वाली वैल्यू का यूज़ कर रहे थे।
ये ए स्क्वायर की जैसे यूज़ कर रहे थे और दूसरी वैल्यू को बी स्क्वायर के जैसे यूज़ कर रहे थे। तो 56 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।